हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दोबारा से पोर्ट ग्रैंड का नाइट व्यू दिखाएंगे और बड़ा ख़ूबसूरत, ये रात को बड़ा ख़ूबसूरत लगता है। और आपको पता है कराची तो है ही रोशनियों का शहर, तो हम शुरू करेंगे बिल्कुल एक्सट्रीम एक कोने से, जो कि है राशिद सी फूड यहाँ पे। और साथ पूरा समंदर लगता है, और यहाँ पे शिप्स भी आपको दिख रही होंगी दूर दूर खड़ी हुई। और ये सारा पोर्ट है लेफ़्ट साइड पे, और कितनी ख़ूबसूरत लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का व्यू है इसका, पोर्ट ग्रैंड का। तो दोस्तों, आप ये हमारा वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक से शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग ले के आते रहें। तो दोस्तों, ये देखिए, ये राशिद सी फूड है। तकरीबन 1800 पर हेड है इफ्तार प्लस डिनर, और फिर टैक्स वैक्स मिला के तकरीबन 2100-2200 रुपये पड़ जाता है। और ये देखिए, नीचे भी सारा पानी है। और ये देखिए, बड़ा ख़ूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है राशिद सी फूड, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन किस्म का इन्होंने ये सेटअप सजाया हुआ है। और ये देखिए, कितनी ख़ूबसूरत लाइट्स लग रही हैं। ये देखिए, इन्होंने जो बार्स हैं इसके ऊपर भी लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखिए, लोग सब आ रहे हैं, और ये बफे का अंदर सारा सेटअप है। और ज़्यादा इसका सी फूड ही मशहूर है। और ये देखिए, बाहर भी बैठने की जगह है और अंदर भी। और ये अफरीदी इन है, इनकी कोई बफे डील नहीं है रमज़ान की, राशिद सी फूड वालों की है। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। ये लेफ़्ट साइड पे जो बैठने की वैसे जगह बनाई हुई है इन्होंने काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत। तो ये अफरीदी इन है, यहाँ पे कोई डील वगैरह नहीं है बफे की, या अला कार्ट सिस्टम है, यानी ऑर्डर मेन्यू देख के आप ऑर्डर कुछ भी करें तो वो ला के दे देंगे, वो सिस्टम है, बाकी और कुछ नहीं है। बफे की कोई डील नहीं है। तो ये आगे, ये देखिए, चाय खाना, यहाँ पे भी काफ़ी फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा दिखाएंगे कितना ज़बरदस्त किस्म का है ये सिस्टम। और ये अफरीदीन के हम ऊपर आए हैं, और हम आपको ऊपर से नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। अफरीदीन थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ अपना सेटअप। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहा है रात को भी। कराची की ये ख़ूबसूरती है कि जो जगह इन्होंने अच्छी बनाई हुई है ना, वो रात को बहुत ख़ूबसूरत लगती हैं। और रोशनियों का शहर इसी वजह से कहते हैं कि जब रोशनियाँ होती हैं, लाइट्स चल रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे ये देखिए, द बलून्स है। यहाँ पे हमने अपनी इफ्तार की थी और इफ्तार डील ली थी यहाँ। और लेफ़्ट साइड पे ये देखिए, इन्होंने बॉल्स लगा के और बड़ा अच्छा सिटिंग का इन्होंने बनाया हुआ है। ये द बलून्स है, यहाँ पे हमने अपना वो इफ्तार की थी। और भी वैरायटी है साइडों पे, शवारमा, कढ़ाई, फ़िश, पिज़्ज़ा वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और मिल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है इधर खाने की। बारबेक्यू भी है, मटन, चिकन, हांडी, कढ़ाई सब मिल जाता है यहाँ पे। ये द बारबेक्यू है। और ये फ्रेशली, ये देखिए, आइसक्रीम बना रहे हैं। ये देखिए, आइसक्रीम लोग खा रहे हैं फ्रेश। ये बैठने की जगह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई है, ग्रीनरी भी रखी हुई है, लाइट्स भी बहुत अच्छी है, और ज़बरदस्त सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट है। फैमिली को लेके भी आ सकते हैं। और ये देखिए, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये चाइनीज़ की भी वैरायटी है, चौवा करके चाइनीज़ का भी एक रेस्टोरेंट है कि आप चाइनीज़ फूड भी खा सकते हैं। और ये साइड पे पोल्स देखें, उस पर लाइट्स कितनी अच्छी लगी हुई हैं। और यहाँ पे डिफरेंट, हर किस्म के डिफरेंट फूड की आपको वैरायटी मिल जाएगी। ये एंजेलिनास था, ये भी एक रेस्टोरेंट है। और अभी हम आपको आगे और भी दिखाएंगे रेस्टोरेंट्स जो आते जाएंगे। ये देखिए, अकबर निहारी, ये फाइनेस्ट निहारी। यहाँ पे आपको निहारी की भी वैरायटी मिल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको निहारी की भी वैरायटी अवेलेबल होगी। ये देखिए बाबूजीज़, यहाँ पे भी इफ्तार प्लस डिनर का बफे था, तकरीबन 2200 के करीब ही पड़ रहा था। और कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे थे ये तो, लेकिन रेट ऑलमोस्ट यही पड़ जाते हैं इसके।
और ये भी काफ़ी ज़्यादा रश था बाबूजी उस पर भी, इफ्तार प्लस डिनर का। और ये देखिए डिफरेंट इन्होंने बॉल के शेप के बना के वो लाइट्स लगाई हुई अंदर। और ये सिटिंग देखें, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट्स इन्होंने रखी हुई हैं, और बहुत ही अच्छा। और ये देखिए गार्डेनिया, एक नया होटल और रेस्टोरेंट है ये आगे, एक रोस्ट बर्गर और पिज़्ज़ा का है, कबाब जीज एक्सप्रेस भी है यहाँ पे, और रोस्ट बर्गर पिज़्ज़ा भी मिल जाता है आपको कैंटक के नाम के रेस्टोरेंट पे। और ये देखें हर जगह सिटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट है। और ये देखिए हम अब जहाँ से एंटर हुए थे वो वाली साइड से हम वापस जा रहे हैं। तो हमने आपको एक पूरी एक्सट्रीम दिखा दी जो पूरी फूड स्ट्रीट इन्होंने बनाई हुई है। ये रमज़ान मुबारक भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये टर्किस्ट, ये भी आइसक्रीम है। ये देखिए एक फाउंटेन भी है, बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा फाउंटेन भी लगाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए थोड़ी यहाँ पे लाइट कम थी तो हम दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं। ये देखें ये एक हीको वालों का भी सेटअप है आइसक्रीम का। और ये देखें यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ये किसने इनॉग्रेट किया था, पोर्ट ग्रैंड, ये किया था इशरतुल इबाद ने, गवर्नर सिंह। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया था जो उस टाइम पे गवर्नर थे, अब नहीं है। ये देख बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं कि बाहर ये और भी फन एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी, बच्चों के लिए भी हैं और झूले वगैरह भी हैं। और ये एक पुराना ट्री हमें नज़र आया था तो हमने सोचा कि आपको ये एक पुराना दरख्त भी दिखा दें, पुराना बहुत कदीमी और पुराना दरख्त यानी ट्री। और ये देखें लोग अब वापस भी जाना शुरू हो गए हैं। और भी यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, फ़न एक्टिविटीज़, वो आगे आपको जाके दिखाएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने ये शुरू किया है कि गिफ्ट्स और इनामात भी देते हैं ये वहाँ पे। तो इन्होंने एक वो बनाया हुआ था जैसे गेम शो टाइप का भी शुरू करते हैं ये रात को देर से। ये फ़न एक्टिविटीज़ वाली प्लेस है जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, फ़न एक्टिविटीज़ कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं। आप फ्री में भी कुछ इन चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, कुछ पेड भी हैं जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जंपिंग कैसल हो गया, मोटरसाइकिल राइड्स हो गई, स्कूटर राइड्स हैं, फिर ये आप बाय भी कर सकते हो। ये देखें ये रेल यानी ट्रेन, इसमें भी बैठ के आप खुद भी और बच्चों के साथ जा सकते हैं। ये देखें ये जो बाईसाइकिल चला रहा था ये भी रेंट पे मिलती है यहाँ पे, तो ये रेंटेड बाईसाइकिल्स भी आप चला सकते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स भी हैं, छोटी रिमोट कंट्रोल कार्स भी हैं, बच्चे उसमें भी बैठ के रेंट पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खुला किस्म का बना हुआ है, और जितना भी रश हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो पता चलता है, वरना बहुत ह्यूज स्पेस पे बना हुआ है तो इतना ज़्यादा रश का पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये था पोर्ट ग्रैंड का नाइट व्यू लेटेस्ट जो हम आपके लिए लेके आए रमज़ानों में। तो दोस्तों हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे डिफरेंट प्लेसेस जगहों की, और ख़ास तौर पे ट्रैवल ब्लॉग जो आप लोगों को हमारे बहुत पसंद है वो भी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।